नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव मैगन, जो पिछले 40 साल से बच्चों में मुस्कुराहट बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि मुझे रोजाना हर दूसरे जो है पेरेंट्स में बताना होता है, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। वो है ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। बच्चे में पानी की कमी कैसे पूरी करें। ज़्यादातर बच्चे जब वॉमिटिंग और लूज मोशन करके आ रहे होते हैं तो उनमें जो है शरीर का पानी सूखा होता है, तो शरीर के पानी को कैसे पूरा करें और किस तरीके से करें, ये ठीक से समझ लीजिए। आज पूरा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक ORS बने बनाए आते हैं जो आपको बाजार में मिलते हैं। एक छोटा पैकेट होता है जो 2-3 रुपए का होता है, एक बड़ा पैकेट होता है जो कि 12-14 रुपए का होता है। छोटा पैकेट तो 200 ml में या 1 गिलास पानी में डालना होता है, और बड़ा पैकेट जो है वो 1 लीटर, जो 1 लीटर वाली बोतल होती है, साफ पानी में डाल के बनाइए। चम्मच चम्मच करके पानी पिलाइए। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है या बच्चा ये नहीं पी रहा है, कई बार इलेक्ट्रोलाइट पीने में बच्चे मुश्किल करते हैं, 10 में से 9 बच्चे मुश्किल करते हैं, तो आप चीनी नमक का पानी बना सकते हैं। उसको भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 चम्मच जो है चीनी लीजिए, आधा चम्मच नमक लीजिए और उसको बना के घोल के चम्मच चम्मच के पानी पिलाइए। अच्छा, जब आप पानी पिलाएंगे तो काफी चांस रहते हैं कि बच्चा वॉमिटिंग कर देगा। तो क्या है, उसको अंदर से नौजिया फील हो रहा है। कुछ डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा जिससे कोशिश करेगा कि उसकी नौजिया फीलिंग कम हो जाए, बट हो सकता है कि वो दवाइयाँ इमीडिएट असर ना करें, उसको असर होने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो उल्टी करने के बाद दूध भी पानी पिलाते रहिएगा। आपने पानी पिलाया, उल्टी करी, उल्टी पिलाना बंद, ये मत घबरा जाइए कि उल्टी फिर कर देगा। आप पानी पिलाते रहिए, उल्टी करने दीजिए उसको। 1-2 घंटे में आप देखोगे, मुझे 40 साल में ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट 99% बच्चे जो हैं उल्टियाँ रुक जाती हैं, पानी पीने लग जाते हैं और यूरिन होती रहती है। अब आपको यहाँ पे ये पक्का कर लेना है कि यूरिन उसकी हो। अगर उसने मान लिया कोई जो है हगीज पहने हुई है, नैपीज पहनी हुई है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। उसको जो है आपको पलंग पे जो है कपड़े उतार के रखना पड़ेगा नीचे से, और ये देखना पड़ेगा कि इसको यूरिन खुल के हो रही है। इसके लिए आपको मैकिंटोश छोटा लाइए या बड़ा लाइए, बिस्तरा गंदा हो जाए कोई बात नहीं, पर ये आपके लिए पक्का करना जरूरी है कि हर 2-2 घंटे पे, माइंड यू, हर 2-2 घंटे पे बच्चे को यूरिन होना जरूरी है, जैसे पहले करता था वो। अगर कभी सो गया एक आधा एक घंटा तो उसको जगा के फिर पानी पिलाइए, बहुत लगातार सोने मत दीजिए। और जब तक उसको यूरिन खुल के ना हो जाए, ना आप सोइए ना उसको सुलाइए, इसे रात में आपको 2-4 बजे तक जगना पड़े। अच्छा, इसके अलावा ये पानी अगर बच्चे नहीं पी रहे हैं, जो ये काफी कॉमन है, तो आप सूप पिला सकते हैं। पतला पतला सूप निकाल लीजिए, पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। घर में कोई और जना सूप बना लेगा। चावल का माड़, किसी वक्त में इलेक्ट्रोलाइट चावल के माड़ के साथ बने होते थे, बट वो इलेक्ट्रोल जो होते थे बहुत कॉस्टली होते थे। नॉर्मल इलेक्ट्रोल जैसे 2-3 रुपए का होता है, 30-40 रुपए के होते थे। ज़्यादा देर उसको आप रख नहीं सकते हो, जल्दी ख़राब हो जाते थे, एक्सपायरी डेट उसकी जल्दी होती थी, तो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया क्योंकि लोग खरीदते नहीं थे, महंगे होते थे। आप चावल का माड़ अपने घर में निकाल लीजिए, उसके लिए आपको कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा। और चावल का माड़ जादू की तरीके से बच्चे के अंदर एनर्जी भी लाता है और ठीक भी कर देता है बच्चे को। चावल के माड़ में हल्का चुटकी भर नमक, और या फिर अगर चावल का माड़ नहीं पी रहे हैं तो उसमें नूडल्स डाल दीजिए। नूडल्स डाल के उसको चाइनीज सूप बना लीजिए, थोड़े से नूडल्स डालिए। और मेनली आपका पर्पस तो पानी पिलाना है, पर अगर वो नहीं पी रहा है तो इसके अलावा रूह अफजा पिला दीजिए, टैंग पिला दीजिए, सब में आप चीनी नमक डाल के पिला सकते हैं, उसका टेस्ट बदल लीजिए। और किसी भी तरीके से बच्चे के अंदर इतना पानी पिलाइए कि हर 2-2 घंटे पे, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, हर 2-2 घंटे पे उसको यूरिन होती रहे। इसके अलावा खाने में उसको, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, खिचड़ी, खिचड़ी से बेहतर। आप चावल वैसे भी माड़ निकालने जा रहे हैं, खिचड़ी साथ में बना लीजिए, आलू खिला दीजिए, केला खिला दीजिए। केला जो है, अगर मान लिया जो है उसको डायरिया हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर कच्चा केला, हरा केला है, तो उसको मैश करके आप केला खिलाइए। वो उसके अंदर पेक्टिन होती है जो आपका जो मोशंस है उसको वो बांध भी देगा। सो ये सब करिए, बच्चे को स्वस्थ रखिए। अब मैं चाहूँगा बच्चा आपका स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, और आप भी मस्त रहें, बच्चा भी व्यस्त रहे। सलाम, नमस्कार, थैंक यू।